बैंक में मोबाइल नंबर लिंक है और वो आधार में भी मोबाइल नंबर लिंक होनी चाहिए, तब उसमें OTP आएगा, तब आप यहाँ पे UPI पिन बना सकते हैं। आपका फिर से स्वागत करने के लिए एक नए अपडेट के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, अगर आपको UPI यूज करनी है तो आपको एक खाता होनी चाहिए, उस खाते में मोबाइल नंबर जुड़ा होनी चाहिए और आपके पास डेबिट कार्ड यानी कि ATM कार्ड होनी चाहिए, तब आप UPI यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे RBI के माध्यम से बहुत सारे UPI में चेंजिंग किए जा रहे हैं। हाल ही में आपने देखा होगा UPI 1, 2, 3 पे लॉन्च किया गया। फिर एक नई अपडेट आया है कि अब अगर आप UPI यूज करना चाहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड से भी आप UPI यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको शुरू से जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों, इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, जैसा कि आप लोग ये भली भांति जानते हैं कि अगर आपको UPI यूज करना है तो आपको डेबिट कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। डेबिट कार्ड की ज़रूरत तब पड़ती है जब किसी का आप मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, बैंक बैलेंस चेक करना चाहते हैं या रिचार्ज करना चाहते हैं या बिल पेमेंट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे एक UPI पिन की आवश्यकता होती है। तो UPI पिन बनाने के लिए आपके डेबिट कार्ड का लास्ट का 6 अंक ज़रूरी होता है और एक्सपायरी डेट और ईयर ज़रूरी होता है। तो इस प्रोसेस को लेके यहाँ पे आधार कार्ड को एंट्री किया गया है। जैसा कि अगर आपके पास फिजिकल डेबिट कार्ड नहीं है तो आप आधार कार्ड के माध्यम से भी अब जो है UPI यूज कर सकते हैं। वो कैसे यूज कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर आप किसी भी UPI एप्लीकेशन में, चाहे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम और भी मार्केट में बहुत सारे हैं, अगर आप उसमें UPI यूज करते हैं तो उसमें आपको अकाउंट ऐड करना पड़ता है। इसके साथ साथ आपके नंबर पे अनलिमिटेड पैक से रिचार्ज होनी चाहिए, तब आपका जो है अकाउंट जो है सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाता है। अब यहाँ पे किसी को भी मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपको एक डेबिट कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, जिसका आप लास्ट का 6 अंक इंटर करते हैं और एक्सपायरी डेट और ये इंटर करते हैं। सेम उसी प्रकार से अब आधार कार्ड का भी आप नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे जो है एक्सपायरी डेट भी ईयर यहाँ पे बताया जाएगा कि आधार कार्ड में क्या एक्सपायरी डेट और ईयर होता है। तो ये आप कर सकते हैं, क्योंकि ये 15 मार्च से ये अपडेट दिया गया है कि एक UPI के माध्यम से आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आधार कार्ड को आप अपने डेबिट कार्ड बना सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। हालांकि ये अभी जो है लाइव प्रोसेस नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो है आपके खाते में मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए और वही मोबाइल नंबर आपके आधार में जुड़ा होना चाहिए, तब आप जो है इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपको UPI पिन बनाना है तो OTP की आवश्यकता पड़ती है, तब आप UPI पिन बनाते हैं। उसी प्रकार से जब इस प्रोसेस को इंटर करेंगे, आधार कार्ड नंबर इंटर करेंगे, उसके बाद आपके जो बैंक में मोबाइल नंबर लिंक है और वो आधार में भी मोबाइल नंबर लिंक होनी चाहिए, तब उसमें OTP आएगा, तब आप यहाँ पर UPI पिन बना सकते हैं। तो UPI के लिए एकदम ईजी वे में बनाया जा रहा है कि अब कोई भी व्यक्ति UPI यूज कर सकते हैं। जैसे कि हाल ही में एक UPI सर्विस लॉन्च किया गया था कि आप एक कॉल करके भी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, UPI पिन चेंज या बदलाव कर सकते हैं, तो ये सब कर सकते हैं, जिसका नाम था UPI 1, 2, 3 पे। तो अगर ये नहीं देखे हैं उस वीडियो को जाइए देखिए, क्योंकि बिना इंटरनेट की मदद से अगर आपके पास छोटी फ़ोन है या कीपैड वाले फ़ोन है तो आप यूज कर सकते हैं। तो ये UPI में बहुत ही बदलाव चेंजिंग होने जा रहा है, लेकिन ये अभी तक लाइव नहीं हुआ है। आधार के माध्यम से आप UPI यूज कर सकते हैं, तो ये सिर्फ अपडेट आया है और कुछ ही दिन दूर है जो कि आपको ये स्क्रीन पर मिलेगा कि डेबिट कार्ड के बजाय आप अपने आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर इंटर करेंगे। तो दोस्तों, जब ये लाइव किया जाएगा किसी भी एप्लीकेशन में तो हम आपको इस चैनल के माध्यम से बता देंगे कि किस तरह से आपको क्या प्रोसेस करना है। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताइए, और आप अपना कीमती समय निकाल के इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो हैप्पी होली, तो फिर मिलेंगे किसी एक और नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।